होता है वह मेल्ट होना शुरू हो जाता है, जो प्लांट को डैमेज भी नहीं करता। उसके बाद फिर उसे 20 से 25 डिग्री दूसरे में ट्रांसफर करते हैं ताकि वह डैमेज से बच सके, और उसके बाद फिर उसे नॉर्मलाइज कर रिकल्चर करते हैं। और उसके बाद फिर उसे वॉश करते हैं ताकि उसका जो केमिकल होता है पूरा रिमूव हो जाता है। उसके बाद फिर उसे पेट्री प्लेट में लेके इनोकुलेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वह कैसा प्रोसेस कर रहा है। और उसके बाद फिर मेजरमेंट ऑफ वाइबिलिटी पढ़ रहे थे, जिसमें स्टेनिंग टेक्निक का बताने वाले थे आज। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आप। चलो, तो धीमेश्वरी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हम लोग कल आए थे मेजरमेंट ऑफ सर्वाइवल और वायबिलिटी। देखो, मेजरमेंट ऑफ सर्वाइवल और वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो उसको समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब ये बताइए कि आपने, जैसे कि घर पे हम लोग फ्रोजन मटर लेकर आते हैं, ठीक है, फ्रोजन मटर हम लेकर आए और उसको लाकर हम तुरंत किसमें डालते हैं, अपने घर के फ्रिज के फ्रीजर में डालते हैं। हम लोग नॉर्मली उसको बाहर नहीं रखते फ्रिज में, हम लोग फ्रीजर में डालते हैं, ठीक है, फ्रोजन स्टेट में। क्यों? क्योंकि ताकि वो वैसे का वैसा मेंटेन्ड रहे। तो जब, अगर मैंने आप लोग को कुछ दिनों पहले बताया था, जब मैं क्राय प्रिजर्वेशन ही पढ़ा रही थी, कि आप लोग अगर घर बाहर से फ्रोजन मटर नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मटर को घर पे ही पूरा छिलकर, उसे पूरा अच्छे से क्लीन करके एक पैकेट में अच्छे से बंद करके आप उसे फ्रीजर में डाल दीजिए और उसे आप महीनों तक यूज कर सकते हैं, फ्रोजन मटर लाने की जरूरत नहीं होगी। तो आपने क्या किया, उसे प्रिजर्व करके रखा। और हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या पढ़ रहे हैं, कि हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में, भविष्य में उस चीज को यूज कर सके। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ ही रहे हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं, हम लोग क्या क्या प्रोसेस होती है वहां, उसमें हम फ्रीजिंग से लेकर थॉइंग तक के पूरा पढ़े। थॉइंग में प्रोसेस खत्म होती है, उसके बाद हम रिकल्चर कर रहे हैं। रिकल्चर में हम फाइनली कर क्या रहे थे, कि थॉइंग तक मतलब मेन जो हमारा फंक्शन था, सॉरी मेन जो प्रोसेस था प्रिजर्व करने का, वो सिर्फ फ्रीजिंग तक था, कि हमने फ्रीज कर दिया खत्म। अब जब उसे बाहर, अब उसे जब यूज करना रहेगा हम लोगों को, तो उसे यूज करने के लिए आपने जो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर अपना प्लांट मटेरियल डाल के रखा है, उसे आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकाल के आप थॉइंग की प्रोसेस करते हैं, उसके लिए वाटर बाथ में डालते हैं, पहले थोड़ा सा ज्यादा रहता है टेम्परेचर, उसके बाद उसे कम टेम्परेचर में लाते हैं ताकि नॉर्मलाइज हो धीरे धीरे। अब नॉर्मल होने के बाद आप उसे जब रिकल्चर करते हैं, थॉइंग की प्रोसेस में तो सिर्फ वो प्रोसेस हो रही है, आप उसे गर्म पानी में डाल के नॉर्मलाइज करें, फिर रिकल्चर में आप उसे मीडिया बनाकर, जैसे पीटीसी करते मीडिया बनाकर आप उन्हें इनोकुलेट करके आप देखेंगे कि वो ग्रो कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए अगर आपने गेहूं का बीज है जिसे आपने बहुत दिन से प्रिजर्व करके रखा था, 3 साल से 4 साल से, अब आप उसे दोबारा यूज कर देखना चाह रहे हैं, रिकल्चर करके देखना चाह रहे हैं कि वो काम हो रहा है या फिर मतलब वो ग्रो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमने रिकल्चर किया, हमको पता चल जाएगा उससे, लेकिन उसका एक मेजरमेंट भी होता है, नाप होती है, मेजरमेंट ऑफ सर्वाइवल। स्लैश वायबिलिटी। तो अल्टीमेटली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमको किस चीज की नाप निकालना है, किस चीज का मेजरमेंट करना है, कि आपका जो सेल है जिसको आपने प्रिजर्व करके रखा था, क्या वो वायबल है, मतलब जीवित अवस्था में है, पॉइंट नंबर वन। और दूसरा ये, क्या वो सर्वाइव किया है, मतलब वो जिंदा है कि नहीं है, या फिर गेहूं का जो बीज है जिसको आपने 4 साल 5 साल पहले प्रिजर्व करके रखा था, आपने उसे मेंटेन करके रखा हुआ इसी टेम्परेचर जिसमें रखते हैं हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में, लेकिन क्या वो सही है, अभी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा खत्म हो गया, मतलब सिर्फ एक बीज रह गया, बीज का टुकड़ा रह गया, लेकिन उसमें जान कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है करके। तो वो चीज जो है हम लोगों का मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ सर्वाइवल और वायबिलिटी। इसके लिए जो है, एक तो पहली बात तो ये, कभी भी वायबल और सर्वाइवल देखने के लिए, कि आपका जो कोशिकाएं हैं वो जीवित है कि नहीं, उसको देखने के लिए सबसे अच्छा मेथड जो होते हैं वो स्टेनिंग टेक्निक होते हैं। हम लोगों ने प्रोटोप्लास्ट में भी स्टेनिंग टेक्निक देखा था कि प्रोटोप्लास्ट जीवित है कि नहीं, उसके लिए हम स्टेन करते थे उसको, ठीक है। तो स्टेनिंग टेक्निक में हम लोगों को अल्टीमेटली बताया क्या जा रहा है, कि हम लोग कुछ कुछ डाई का यूज करेंगे, ठीक है, डाइज, रंगने के लिए जो डाई यूज करते हैं ना, वो डाइज का यूज करेंगे अलग अलग प्रकार के, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारे जीवित है कि नहीं वो कोशिकाएं। तो उसमें जो सबसे फेमस जो डाई है,
आप लोग का है टीटीसी। टीटीसी मतलब ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ट्राइफेनिल टेट्राजोडियम क्लोराइड। टी टी सी इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और एक और स्टेनिंग है, स्टेनिंग तरीका है डाई में ही, एक और है इवांस ब्लू करके, ये बहुत फेमस है, प्रोटोप्लास्ट में भी यूज हुआ था आप लोगों के और आप लोग का इसमें भी यूज होता है। तो ये सब जो डाई होते हैं ये कलर वाले होते हैं, पॉइंट नंबर 1 तो ब्लू कलर का, इवांस ब्लू मतलब ये ब्लू कलर का है। अभी टीटीसी कौन सा कलर का रहता है मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये भी एक डाई है, मान लीजिए कि रेड कलर का है। तो इसको आपने क्या किया कि आपने जो पूरा रखा था, आपने जो प्रिजर्व करके रखा था उस पे आपने इस डाई को डाला। अब इस डाई आप उसको आप माइक्रोस्कोप में के अंडर में आप उसको नोटिस करेंगे। अगर इवांस ब्लू आपने डाला है तो इवांस ब्लू सिर्फ उन सिर्फ उन आपके प्लांट सेल्स में जाकर अपना कलर दिखाएगा जो जीवित कोशिकाएं हैं। ये सिर्फ जीवित कोशिकाओं के पास ही जाकर अपना कलर करता है। जिन पे कलर नहीं होगा उनमें वो कोशिकाएं आपकी जीवित नहीं है। और वही ट्राइफेनिल टेट्राजोडियम के साथ भी सेम है, इसमें रेड कलर है। अगर मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो, कि टेट्राजोडियम क्लोराइड कौन से कलर का रहता है, लेकिन ये भी एक डाई है। मान लीजिए कि अगर इसमें रेड कलर है तो इसमें भी अगर आपने स्टेनिंग डाला आपने पूरे प्लांट सेल में जिनको प्रिजर्व करके रखे थे, अगर कलर आता है, जिन जिन में कलर आया वो कोशिकाएं जीवित है, जिनमें नहीं आया वो कोशिकाएं जीवित नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका ये स्टेनिंग टेक्निक हुई। ठीक है, इवांस ब्लू और फ्लोरोसिन डाई एसिटेट भी यूज किया जाता है एफडीए। ये जो डाइज हैं ये सबसे कॉमनली यूज होने वाली चीजें हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा जो सेल है वो वायबल है कि नहीं, जीवित अवस्था में है या नहीं है। द बेस्ट इंडिकेटर टू मेजर द वायबिलिटी ऑफ क्रायोप्रिजर्व सेल्स इज देयर एंट्री इनटू सेल डिवीजन। सबसे अच्छा इंडिकेट हमको क्या चीज करता है, सबसे अच्छा इंडिकेट हमको ये चीज करता है कि हमारा जो कोशिकाएं हैं प्लांट सेल जिसको हम प्रिजर्व करके रखे थे वो एक्चुअल में जीवित है या नहीं है। उसे जानने के लिए हम क्या करते, देखो अगर कोई इंसान है अगर वो पड़ा हुआ कोमा में है उसको चेक कैसे करेंगे, सांस अगर नहीं चल रही है ना, तो हम या तो नब्ज चेक करते हैं या तो दिल की धड़कन चेक करते हैं। वैसे ही आपका जो प्लांट सेल है वो जीवित है या नहीं है ये देखने के लिए हम लोग को सबसे अच्छा इंडिकेट कोई करता है तो वो है आपका सेल डिवीजन। अगर वो आपका जो प्लांट सेल है उसमें सेल डिवीजन की प्रक्रिया हो रही है या वो सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, प्रिजर्व करके रखा था आपने, जैसे ही आपने बाहर निकाल के उसे रिकल्चर किया और वो सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स वो जीवित कोशिका है। ठीक है, सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है एंट्री इनटू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में वो एंट्री कर लिया, सेल डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब हमारा जो प्लांट सेल है वो क्या है, जीवित है। ठीक है, एंड रीग्रोथ इन कल्चर, और हमको दिखेगा कि हमारा कल्चर ग्रो कर रहा है, कैलस का फॉर्मेशन या फिर कुछ बढ़ता दिखाई देगा तो फिर क्या है, वो सर्वाइव कर रहा है, मतलब आपका वाइबल है, क्योंकि सेल डिवीजन करेगा तब तो वो बढ़ेगा, नंबर में संख्या में बढ़ेगा, अपने आप को बढ़ाते जाएगा और तभी तो हमको कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देगा ना, ग्रोथ दिखाई देगी। ठीक है, दिस कैन बी वैल्यूएटेड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसके लिए कल एक मैं फॉर्मूला बता रही थी जिसको बताते समय ही आप लोगों का जो जूम मीटिंग है ऑफ हो गई थी, तो इसका जो फॉर्मूला है इसको चेक करने का, इसको इवेल्युएट करने का, ये है नंबर ऑफ सेल्स पर ऑर्गन ग्रोइंग अपॉन नंबर ऑफ सेल्स पर ऑर्गन थॉर्ड। तो यहां पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है, पहले तो नंबर ऑफ सेल्स, वो नंबर ऑफ सेल्स जिन्हें हमने ग्रो करवाया है और जो ग्रो किए एक्चुअल में, आपने क्या किया रिकल्चर करने के लिए, आपने पूरा थॉइंग का प्रोसेस कर लिया, गर्म पानी में डाला उसे,
नॉर्मल कितने वाले गर्म पानी में आपका पहले आपने डाला था उसे 37 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के वाटर बाथ में आपने डाल के हल्का का घुमाया, स्वर्ल किया, उसके बाद आपने निकाल के कितने गर्म पानी में डाला जिसको आप हाथ लगा सकते हैं नॉर्मली 20 से 25 डिग्री सेल्सियस वाला, ठीक है। आपने थॉइंग की प्रोसेस करके आपने रिकल्चर किया, मीडिया में डाल दिया। अब जो है अगर आपने ग्रो होता है वो, तो आप उसको मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला जो दिया है वो ये है कि कितने सेल्स ग्रो किए हैं आपके और पर ऑर्गन ग्रोइंग, जितने ऑर्गन ग्रो किए हैं उनमें कितने उनका सेल्स का नंबर, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गन थॉट। जितने हमने थॉइंग किया था, जब थॉइंग की प्रोसेस में तो पूरे के पूरे थॉइंग होंगे। थॉइंग की प्रोसेस जो है, मान लीजिए आपने जो प्रिजर्व करके रखा था उसमें से 100 कोशिकाएं जो हैं आपकी उसको आपने निकाल के थॉ किया, थॉइंग की प्रोसेस किया इसके साथ, ठीक है, थॉइंग की प्रोसेस किया। अब इसको आपने क्या किया, रिकल्चर किया, मीडिया में डाल के रिकल्चर करना स्टार्ट किया। मान लीजिए कि इसमें से केवल 70 कोशिकाएं जो हैं, 70 सेल्स जो है वो ही बस जो है ग्रो हुई, तो आपका 100 नंबर पे यहाँ पर ये वाला आएगा, 100 कोशिकाएं आपने एक ऑर्गन में ए पर ऑर्गन थॉ किया था, और यहाँ पर ऑर्गन से मतलब तात्पर्य है कि एक ऑर्गन की कितनी कोशिकाएं, ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑर्गन के कितने सेल्स, तो यहाँ पर आपका 70 था, 70 और यहाँ पर 100 था, और इंटू 100 आपको करना है, तो ये इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उससे हमको पता चल जाएगा कि हमने जितना थॉ किया उसमें से कितना हमारा ग्रो किया, कितना हमारा सरवाइव किया, वो हमको इससे पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला दिया गया, एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारे जो प्रिजर्व करके, क्रायो प्रिजर्व करके हमने जो रखा था उसमें से कितनी कोशिकाएं जो है वो सरवाइव की और कितनी वाइबल थी, ठीक है। सरवाइव करने और वाइबल होने में अंतर है ना, एक और चीज याद रखना, कई बार क्या होता है कि जी आपकी सरवाइव तो बहुत सारी कर लेती हैं, लेकिन जीवित अवस्था में मतलब रिकल्चर करके उन्हें पूरा नया प्लांट उगते तक के टाइम लगता है, तो आप उससे अगर आप वाइबल हैं, जीवित अवस्था में हैं, तो वो ग्रो कर गई, लेकिन सिर्फ सर्वाइवर है, वो सिर्फ सर्वाइव करी लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाई, तो मतलब अंतर है दोनों में, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर है, कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आप लोग ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सेम जैसे मैंने लिखा सर्वाइवल स्लैश वाइबिलिटी, ऐसे ही लिखना एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपका ये आपका मेजरमेंट ऑफ सर्वाइवल एंड वाइबिलिटी खत्म हो गया। प्लांट रीजनरेशन है इसके बाद। प्लांट रीजनरेशन में क्या बताएंगे, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लांट्स इज टू जनरेट द डिजायर्ड प्लांट फॉर एप्रोप्रिएट प्लांट ग्रोथ एंड रीजनरेशन। क्रायो प्रिजर्व सेल्स टिश्यू हैव टू बी केयरफुली नर्स्ड एंड ग्रोन। हमारा जो मोटिव था, जो मेन एजेंडा था क्रायो प्रिजर्वेशन करने का, वो सिर्फ एक ही एजेंडा था कि हम हमारा जो प्लांट का सेल या टिश्यू या फिर आप बीज जो है या एम्ब्रियो जो भी चीज जिसे हम प्रिजर्व कर रहे हैं, हम उसे इसलिए प्रिजर्व कर रहे हैं कि भविष्य में हम उनसे पूरा पौधा जो है उगा सके, ठीक है। तो ये हमारा मेन एजेंडा था क्रायो प्रिजर्वेशन का, ताकि हम उसे अपने जो हम प्लांट चाहते थे जिसका हमने कोशिका को प्रिजर्व करके रखा है इतने दिनों से, उसे हम लोग उगा सके, दोबारा रीजनरेट कर सके, ठीक है। तो जिसके लिए हम लोग को क्या करना रहेगा कि जिस प्लांट सेल या टिश्यू को हमने क्रायो प्रिजर्व करके रखा है उसे हम लोगों को अच्छे से रखना होगा, अच्छे से देखभाल करनी होगी, अच्छे से ग्रो करवाना होगा। एडिशन ऑफ सर्टेन ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, जब हम इन्हें ग्रो करवाते हैं तो ये तो आपका आप मिट्टी उट्टी में कराएंगे तो नहीं करेगा, आपके लिए यूजली इसे क्या करना होगा, आपको आपको पीटीसी करना होगा, तो पीटीसी करेंगे आप तो पीटीसी के मीडिया जो बनता है उसमें बहुत सारे ग्रोथ की चीजें डालनी होती है। आप लोग भी कई बार ऐसा होता है कि किसी को खून की कमी है तो खून की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर टॉनिक लिखता है, दवाई लिखता है, कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की दवाई लिखेगा, विटामिन की कमी है तो मल्टीविटामिन्स की दवाई देगा डॉक्टर। तो ये जो है आप लोगों का इसीलिए आपको दिया जाता है क्योंकि आपका ग्रोथ हो अच्छे से, आप अच्छे से रहें, तो ग्रो तो कर रहे हैं नॉर्मली कोई भी चीज, आप इंसान दवाई नहीं खाएगा तो भी वो पढ़ेगा तो भी वो सर्वाइव करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अच्छे से ग्रो करें। वही चीज पौधों के साथ है, पौधे भी ग्रो करेंगे लेकिन उतने अच्छे से नहीं, लेकिन अगर आप खेतों में भी लोग खातु कचरा डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, दवाइयां को छिड़काव कर रहे हैं, क्यों, ताकि अच्छे से ग्रो हो, तो
तो ये ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस हम लोगों को पीटीसी में हार्मोन के रूप में डालना होता है। और हाँ, एनवायरमेंटल कंडीशन पे बहुत मैटर करता है कि किस पर्यावरणीय कंडीशन पे आपने उसे रखा है, जिससे आपका प्लांट का रीजेनरेशन अच्छे से हो। एक लिस्ट भी दी गई है, इस लिस्ट का फोटो जो है मैं आप लोगों को खींच के भेज दूंगी, जो अभी तक के हम लोगों ने अच्छे से क्रायो प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग का फाइनली क्रायो प्रिजर्वेशन का जितना भी प्रोसेस था रीजेनरेशन तक के, वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम लोग इसका कोल्ड स्टोरेज देखेंगे। अगर हमको कोल्ड स्टोरेज में रखना है इसे, तो फिर क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में एक कोल्ड स्टोरेज का चैम्बर होता है, बहुत बड़ा जगह होती है जहां पर जो कुछ भी चीज प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि अगर आपका बेकरी आइटम बन रहा है, अगर आपका ब्रेड ही बन रहा है या केक ही बन रहा है, तो बेकरी आइटम वाली जगह, बेकरी बनने के बाद एक कोल्ड स्टोरेज होता है जहां पर उसे रखा जाता है, ठंडे में रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो चीज खराब ना, तो बहुत दिन तक अच्छे से रहे। तो कोल्ड स्टोरेज जो है, कोल्ड स्टोरेज बेसिकली जो है इन्वॉल्व्स जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन एट अ लो एंड नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर। लेकिन अगर क्रायो प्रिजर्वेशन की बात की जाए, तो इसमें जो कोल्ड स्टोरेज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको देखते हैं कोल्ड स्टोरेज को। सबको सुनाई दे रहा है ना, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। कोल्ड स्टोरेज, तो कोल्ड स्टोरेज अगर हम जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की बात करें, इसमें कोल्ड स्टोरेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज में लो और नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हम लोगों को प्रिजर्व करके रखना रहता है, मतलब लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 9 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर बस। तो ये इस समय जो है बर्फ नहीं जमी रहती है ना, 0 डिग्री पे बर्फ जमेगी, तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस पे नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, ठीक है, नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर में आपको प्रिजर्व करके रखना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट मटेरियल इज स्लोड डाउन इन कोल्ड स्टोरेज इन कंट्रास्ट टू कंप्लीट स्टॉपेज इन क्रायो प्रिजर्वेशन। जब अगर हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते थे, तो हम लोग उसे -1000 डिग्री तक सेल लेके जाते थे टेम्परेचर को, लाइक लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसमें एकदम तरीके से बर्फ जमी रहती है, वो वाला टेम्परेचर तक हम लेके जाते थे। तो लेकिन अगर हम इसमें करते हैं, तो होगा ये कि आपका उस कंडीशन में क्या होता था कि प्लांट सेल जो आप यूज कर रहे हैं क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए, उसकी ग्रोथ पूरी रुक जाती थी, 0 मेटाबॉलिज्म, 0 सेल डिवीजन, ये 2 चीजें होती थी, ठीक है, नो मेटाबॉलिज्म, कोई उपापचय की क्रिया नहीं होती थी, एंड नो डिवीजन, ना कोई कोशिका विभाजन होता था। इस स्टेज में लाने के बाद हम क्या करते थे, उसी स्टेज में आ जाता था और हम उसे प्रिजर्व करके रखते थे। लेकिन इस कंडीशन में कोल्ड स्टोरेज में 1 डिग्री से 9 डिग्री का टेम्परेचर हमने सेट करके रखा हुआ है कि हमको इतने ही टेम्परेचर में रखना है, नॉन फ्रीजिंग में, फ्रीज नहीं करना है। तो इसमें होता क्या है, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट मटेरियल स्लोड डाउन, इसमें जो प्लांट मटेरियल आप यूज कर रहे होते हैं उसकी ग्रोथ जो है, ठीक है, वो ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, 0 मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, नो मेटाबॉलिज्म, नो डिवीजन वाले भी नहीं आए उन लोग, उनकी ग्रोथ सिर्फ स्लो हो गई है। किसके कंपैरिजन में, अगर दूसरे वाले के कंपैरिजन में, उसमें कंप्लीट स्टॉप हो जाता था ग्रोथ, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म, सेल डिवीजन कंप्लीट जीरो हो जाता था। लेकिन इसमें है जो ग्रोथ जो है सिर्फ स्लो हुई है, रुका नहीं है ग्रोथ, सिर्फ स्लो हो गई है, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज इज रिगार्डेड एज अ स्लो ग्रोथ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। कोल्ड स्टोरेज को हम लोग स्लो ग्रोथ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, स्लो ग्रोथ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन भी बोलते हैं। जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग पढ़ाया था, तो आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोगों को जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो कितने मेथड होते हैं आप लोगों के, इनविट्रो तरीके में क्रायो प्रिजर्वेशन जो हमने अभी पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद आप लोग का कोल्ड स्टोरेज था, तीसरे नंबर पे आप लोग का लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज,
ठीक है, लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज। तो अभी हम लोग सेकंड नंबर वाले कोल्ड स्टोरेज में आए हैं, छोटा सा ये, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। तो इसको हम लोग कोल्ड स्टोरेज को ग्रोथ स्लो, सॉरी ग्रोथ स्लो, स्लो ग्रोथ है ना, स्लो ग्रोथ जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रोथ स्लो होती है, रुकती नहीं है ग्रोथ इसमें। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज दैट द प्लांट मटेरियल इज नॉट सब्जेक्टेड टू क्रायोजेनिक इंजरीज। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, आप ही लोग बताइए। चलिए, अभी मैंने पढ़ा तो सुन लिया होगा कुछ कुछ लोगों ने, कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसको सिर्फ हम लोग टेम्परेचर कम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बस। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता होगा इसमें, इस तरीके को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कोई बताएगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इसमें सिर्फ हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ग्रोथ को नहीं रुक रहे हैं, न इसमें मेटाबॉलिज्म रुक रहा है, न सेल डिवीजन रुक रहा है, न इसमें किसी प्रकार का क्रायो प्रोटेक्टेंट डल रहा है। तो क्या इसको फायदा क्या हो रहा है इसमें अल्टीमेटली, कोई बताएगा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बहुत सस्ता पड़ेगा और कोई केमिकल यूज नहीं करना पड़ा। ये एक चीज है कि हम लोगों को सस्ता पड़ा, पॉइंट नंबर वन, कॉस्ट इफेक्टिव। दूसरी चीज ये कि कोई केमिकल यूज नहीं करना पड़ा, क्योंकि केमिकल यूज करने से हम लोग क्रायो प्रोटेक्टेंट जो यूज करते थे उससे कुछ ना कुछ इंजुरीज या फिर कुछ ना कुछ डैमेज हमारे प्लांट सेल को हो ही जाता था, कुछ ना कुछ तो होता ही था इंजुरीज, तो वो चीज इसमें नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर प्लांट मटेरियल इज नॉट सब्जेक्टेड टू क्रायोजेनिक इंजुरीज, ये सबसे बड़ा है इसका। और दूसरा तो नमन ने बहुत अच्छा सच में बताया है, इसमें बुक में भी नहीं लिखा है, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। केमिकल यूज करने से आपका एक अलग से कॉस्ट लगेगा, इसमें अलग से कॉस्ट जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट उसका नहीं लगेगा, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। लॉन्ग टर्म कोल्ड स्टोरेज इज सिंपल, अगर अब हम लोगों को लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है, कोल्ड स्टोरेज करना है, तो ये जो है सिंपल तरीका होता है कोल्ड स्टोरेज का। लंबे समय के लिए अगर स्टोरेज करके रखना है तो बहुत सिंपल तरीका है, आप लोगों ने जैसे अभी देखा। दूसरी चीज कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तीसरी चीज जो है इसमें किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं हो रहा है, इसमें जर्म प्लाज्म जो है इनका सर्वाइवल रेट अच्छा रहता है, क्योंकि इनमें जो है हम रोक नहीं रहे हैं उनकी ग्रोथ को, हम सिर्फ स्लो कर दे रहे हैं ग्रोथ को उनकी, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा रहता है। मेनी इन विट्रो डेवलप्ड शूट्स प्लांट्स और फ्रूट ट्रीज स्पीशीज हैव बीन सक्सेसफुली स्टोर्ड बाय दिस अप्रोच। बहुत सारे जो है आपके शूट्स प्लांट्स को और फलों के पेड़ों को, मतलब उनके स्टेम्स को, अलग अलग बहुत सारे को सेव करके रखा भी गया है, जर्म प्लाज्म करके क्रायो प्रिजर्व करके रखा भी गया है, ठीक है, स्टोरेज करके, कोल्ड स्टोरेज की सहायता से। एग्जांपल के लिए यहाँ पर ग्रेप का जो पौधा है, जो अंगूर का पौधा होता है उसे उसे, और स्ट्रॉबेरी का जो पौधा होता है, वायरस फ्री स्ट्रॉबेरी प्लांट, इन सबको भी यहाँ पर बताया गया कि स्टोर करके रखा गया था, कोल्ड स्टोरेज की सहायता से भी करके रखा गया और सक्सेसफुल हुआ है। जो वायरस फ्री स्ट्रॉबेरी प्लांट्स होते हैं वो 10 डिग्री सेल्सियस में लगभग 6 साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम लोग। हमको टेम्परेचर सिर्फ मेंटेन करके रखना है 10 डिग्री सेल्सियस, और जो वायरस फ्री स्ट्रॉबेरी का प्लांट जिसमें कोई वायरस नहीं लगता है कभी भी, वो वाला जो स्ट्रॉबेरी का पौधा है उसको 10 डिग्री सेल्सियस सिर्फ आप मेंटेन करके रखिए, आपका पूरा कंप्लीट 6 साल तक वो सरवाइव कर सकता है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा अप्रोच है। हम लोग सोचते हैं, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यार इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ पता नहीं रहता, बट इतनी जो छोटी छोटी चीजें रहती है ना उसमें आपको ढूंढना है चीजों को, कि व्हाट वी वर अर्निंग, हम लोग क्या अर्न कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी ने हमको क्या दिया है। देखो हम 6 साल तक के उसे रख सकते हैं आपके स्ट्रॉबेरी के पौधे को बचाकर, सिर्फ हमको यही टेम्परेचर देना है और कुछ नहीं देना है उसे, ना पानी ना मिट्टी ना हवा ना कुछ, सिर्फ ये टेम्परेचर, दैट्स इट। तो फिर ये बहुत बड़ी बात है ना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, ठीक है, विद एडिशन ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मीडियम पीरियोडिकली। हाँ, लेकिन एक चीज है, इसमें बोला गया है कि कुछ कुछ ड्रॉप्स आपको मीडियम के डालने होते हैं, कुछ ड्रॉप्स 2 से 3 बूंद मीडियम के बस आपको डालने रहेंगे, क्योंकि सिर्फ अगर ठंडे में रखकर ग्रोथ को स्लो कर रहे हैं तो कुछ तो उसको चाहिए रहेगा खाने पीने के लिए, जिससे वो अपना जो है भोजन ग्रहण कर सके। अब भोजन तो बना नहीं पा रहा है क्योंकि ना मिट्टी है, ना वहां पर पानी है, ना आपका सूरज की रोशनी है, तो यू हैव टू डू दैट कि आपको आप एटलीस्ट आप उसको मीडिया दें, ठीक है, जिससे वो अपना सर्वाइव कर रख सके, कुछ तो खाए वो जिससे, इसलिए ठीक है 2-3 बूंदे जो है
आपको डालनी पड़ेंगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मीडियम, लेकिन वो भी कब डालना होगा आपको, 2-3 महीने में सिर्फ एक बार, 2-3 महीने में सिर्फ एक बार आपको कुछ बूंदे मीडियम की डालनी होती है। तो ये तो सच में बहुत बड़ी चीज है कि 2-3 महीने में एक बार सिर्फ आप 2-3 बूंदे मीडिया की डाल रहे हैं, उससे वो 6 साल तक के सर्वाइव कर ले रहा है इस टेम्परेचर पे। ठीक है, सेवरल ग्रेप प्लांट्स हैव बीन स्टोर्ड फॉर इवन 15 ईयर्स बाय कोल्ड स्टोरेज। कुछ जो अंगूर के पौधे थे उन्हें 15 साल तक के लिए भी स्टोर करके रखा गया था कोल्ड स्टोरेज की सहायता से। ठीक है, जिसमें हमने टेम्परेचर को रखा था 9 डिग्री सेल्सियस, और हमने कितने साल तक रखा, 15 साल तक के, 15 ईयर्स। 10 डिग्री सेल्सियस में स्ट्रॉबेरी के पौधे को, जो वायरस फ्री स्ट्रॉबेरी पौधा था, उसको हमने रखा 6 ईयर्स तक के। ठीक है, तो ये है आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे। और जब हमने 9 डिग्री सेल्सियस में ग्रेप्स के पौधों को रखा 15 साल तक के, तो बाय ट्रांसफरिंग देम अर्ली टू अ फ्रेश मीडिया, जिसमें हम लोगों को क्या करना रहता था कि उसको थोड़े थोड़े दिन में, मतलब थोड़ा 1-8 महीने में जो है नए मीडियम में ट्रांसफर करना रहता था, क्योंकि पूरा वो उसका गुण को ले लेता था मीडिया का, तो फिर उसको दूसरे मीडिया में ट्रांसफर करना ही है, न्यूट्रिशन पूरा ले लेता था क्योंकि वो, तो हम उसको दूसरे मीडिया में ट्रांसफर करना रहता था। तो ये आपका था कोल्ड स्टोरेज। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज खत्म। कोल्ड स्टोरेज के बाद जो तीसरा मेथड होता है जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का ही पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले हमने क्रायो प्रिजर्वेशन का सबसे बड़ा मेथड था जिसको देखा, दूसरा मैंने बताया आप लोग को कोल्ड स्टोरेज, तीसरा और आखिरी मेथड जो है वो है आप लोगों का लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज, जिसमें प्रेशर भी लो रखेंगे हम और ऑक्सीजन भी लो रखने वाले हैं। ठीक है, इसमें कैसे होता है देखते हैं। चलो ये आज जितना होगा उसको करती हूँ, 10 मिनट का मेरे पास मैसेज आ गया है। लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज एज अल्टरनेटिव्स टू क्रायो प्रिजर्वेशन एंड कोल्ड स्टोरेज, लो प्रेशर स्टोरेज, लो प्रेशर स्टोरेज को हम लोग LPS भी बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, लो प्रेशर स्टोरेज। ठीक है, LPS एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज, लो ऑक्सीजन स्टोरेज को LOS, लो प्रेशर स्टोरेज, लो ऑक्सीजन स्टोरेज। ठीक है, LPS एंड LOS हैव बीन डेवलप्ड फॉर जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन। इसके इससे रिलेटेड ग्राफ भी दिया हुआ है, मैं एक काम करूंगी आप लोग को क्लास के बाद फोटो खींच के भेज दूंगी, जिससे आप लोग ग्राफ को देख के अच्छे से समझ भी जाएंगे। टिश्यू कल्चर स्टोरेज इन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन इज डिपिक्टेड। लो प्रेशर स्टोरेज सबसे पहले हम लोग देखेंगे LPS को। ठीक है, LPS को देखते हैं। तो LPS में, लो प्रेशर स्टोरेज में ये बताया गया है कि इन लो प्रेशर स्टोरेज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सराउंडिंग द प्लांट मटेरियल इज रिड्यूस्ड। इसमें हमको अल्टीमेटली करना क्या है, इज वेरी सिंपल, जैसे कि नाम है, प्लांट आपका जिस वातावरण में है वहां का प्रेशर को आपको कम कर देना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसे आप लोगों को कम कर देना है, रिड्यूस कर देना है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन अ पार्शियल डिक्रीज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस अराउंड द जर्मोप्लास्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस, आपका जो पौधा है उसके आसपास का अगर आप प्रेशर आपने कम कर दिया, तो मैं भी जहां पर हूं यहां पर भी एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर है, अगर यहाँ का प्रेशर जो है मेरे तक आ रहा है, तो जहां पर हम रहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे भी असर डालता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा हम पे भी वो असर डालता है। तो जब हम प्रेशर को कम कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, प्लांट जिसमें है वहां का, तो प्लांट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का उतना असर नहीं होता है, हम कम कर दिए हैं, क्योंकि आपका ये पौधा है, पौधे के आसपास की इतनी जगह को जो टेम्परेचर है आपका, उसको आपने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब आपने प्रेशर कम कर दिया, तो जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इस पे दबाव पड़ता था, एक प्लांट पर भी एक दबाव पड़ता है ना प्रेशर का, वो दबाव नहीं पड़ेगा,
ये जो प्रेशर कम करने से इसका भी प्रेशर जो है इस पे भी जो प्रेशर रखता था वो भी कम हो गया, पॉइंट नंबर वन ये। तो द लोअर्ड पार्शियल प्रेशर रिड्यूस्ड द इन विट्रो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जिसकी वजह से फायदा ये होता था कि प्रेशर को हमने कम करके हमारे प्लांट के ऊपर जो लोड पड़ता था प्रेशर का हमने उसको भी कम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जब इसका हम इन विट्रो कल्चर करेंगे, इन विट्रो जब हम इसको लैब की कंडीशन में जब हम इसको उगाएंगे या फिर हम इसको ग्रो करवाने की कोशिश करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा क्योंकि प्रेशर जो है अब वो कम नहीं। सर तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हमने क्या किया, ये वाला प्रेशर को हमने माइनस कर दिया, हटा ही दिया ना टोटल, ये वाला हटा दिया तो इस पे प्रेशर जो है कम हो गया। अब इस पे प्रेशर कम होगा तो वो क्या करेगा, इन विट्रो कल्टीवेशन अच्छे से हो पाएगा, इन विट्रो में वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। क्यों ग्रो कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास जो लोड होता था वो लोड अब खत्म।